अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। सोलापुर शहर के माजी पालक मंत्री सुभाष देशमुख के लोकमंगल मल्टी स्टेट के 9 संचालकों पर सोलापुर जिला व सत्र न्यायालय में दोष आरोप पत्र दाखिल। लोकमंगल मल्टी स्टेट सोसाइटी के तत्कालीन 9 संचालकों के खिलाफ न्यायालय में दोष आरोप पत्र दाखिल हुआ है। लोकमंगल मल्टी सोसाइटी ने दूध भुक्ति निर्माता और विस्तारित दूधशाला का प्रस्ताव शासन को दिया था और ये दोनों प्रस्तावों के लिए 5 करोड़ रुपए शासन से अनुदान भी लिया था। अनुदान की मंजूरी होने के बाद ये दोनों प्रस्तावों को कैंसिल किया। इस मामले में डुप्लीकेट कागज पत्र बनाकर अनुदान मंजूर करवाया और अनुदान का बिल मिलते ही इस प्रस्ताव को कैंसिल कराया। इस बारे में तत्कालीन 9 संचालकों के खिलाफ तकरार दाखिल भी हुई थी। सोलापुर पुलिस ने 30 जनवरी को न्यायालय में दोषारोप पत्र दाखिल किया है।